इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट की तरफ से गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज रामनगरम में किया गया है। सवेरे 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ। आज गांधी जयंती के दिन छुट्टी था, छुट्टी के दिन हम तय किए थे कि जॉब फेयर करेंगे तो लोगों को सहूलत होती आने के लिए। तो माशाल्लाह तकरीबन 60 कंपनीज आए थे और 2000 के करीब जॉब एस्पिरेंट्स आए हैं और सब इंटरव्यूज तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। अब सब लोग जो है पूरे फील्ड से बच्चे आए थे, इंजीनियर्स और डिग्री होल्डर्स, ITI, डिप्लोमा, PUC, SLC पास, ये सब लोगों के वास्ते जॉब ओपनिंग्स थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, एक खिदमत, ये रूरल एरिया में आके खिदमत करने का मौका हुआ। तो चनपटना, मागड़ी, कनकपुरा, बिरदी और रामनगरम टाउन के लोग सब आए थे, इंजीनियर्स भी आए थे और बाकी दूसरे डिग्री के होल्डर सब आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और सब लोगों बहुत जो है खुशी हुई कि ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा प्रोग्राम करने के लिए ऐसा बहुत से लोग हमको सुनाए हैं। इंशाल्लाह ये कि हमारा सिलसिला जारी रखे। I'm very happy that the candidate that the Gausia people have attracted, around it was more than 400, I think. Even I got, I'm working as an HR for PVR Cinemas. I got sufficient candidates out of it. The very, I was not expecting so much quality people. It was very beautiful experience, especially with the Gausia people. The Gausia employees, they have warmed, welcomed us very much, not even single stress that I have faced here from morning. And people sourcing for Bangalore from here, really it is very challenging because language barriers will be there, so many things, so many challenges that HR faces, but it was very minimum, very very minimum here. I personally thank Gausia and the team Magic Bus, Mr. Shiraz sir and the secretary sir. I spoke to them personally. It was very beautiful experience here. Thank you very much. बहुत दिनों से हमारा एक ड्रीम था कि गौसिया में एक बहुत बड़ा जॉब मेला हो। लास्ट ईयर ही हमने प्लान किए थे इस जॉब फेयर के लिए, कोविड की वजह से एक ही दिन में हमको कैंसिल करना पड़ा। फिर सेक्रेटरी साहब से मैंने बहुत सारे मीटिंग्स किए और हमारे साथ और हमारे ITI के नासिर प्रिंसिपल जो है नासिर, उनसे मुलाकात की। सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करते हुए बहुत सारे कंपनीज़ को हमने अप्रोच किया और उसमें यह देखा गया कि प्लेसमेंट जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल हैं लेकिन किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से उनको लाना है, ये एक कमी थी। इसे इस फेयर से हम क्या करें, मैजिक बस से जाकर मुलाकात किए। मैजिक बस वाले हमने एक डायरेक्शन दिखाए, उस डायरेक्शन की बुनियाद पर हमने काम करके इस प्रोग्राम को एक अंजाम दिया है। आज हमारे भी कुछ खामियाँ होंगे, उस खामियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना के हालात से सबसे पहली चीज़ यह है कि इसको मायूस नहीं होना है। हमारे यहाँ तो मायूसी कुफर है, तो हर नेगेटिव पॉइंट पर बंदा उसको पॉजिटिव अंदाज से लेकर कि ये मेरे टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, टेस्टिंग पीरियड है और मुझे इसको इससे गुजर कर आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह जब वो अंदर से डिटरमाइंड होगा और मुस्बत अंदाज से सोचेगा, इंशाल्लाह पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, तो उसको हर नेगेटिव पॉइंट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर नज़र आएगा। तो इस अंदाज से हमने सोच कर ये चाहा कि आजकल तो हालात हर जगह जॉब के एतबार से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी जॉब के एतबार से अपने एम्प्लॉइज़ को डिसमिस कर रही हैं, निकाल रही हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो हमने सोचा कि ऐसे हालात में व्हाट पॉजिटिव थिंग वी कैन थिंक अबाउट और क्या हम बेहतर अंदाज से सोसाइटी को काम दे सकते हैं। इस अंदाज से हमने सोचकर जैसे मैजिक बस फाउंडेशन वालों ने उनसे टाई अप किया और फिर यहाँ स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की है उनसे टाई अप करके फिर ये इस तरह का एक मेगा जॉब फेयर का इनका किया अपने यहाँ कैंपस के अंदर।